नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस न्यूज के ऊपर बात करेंगे वो जुड़ी है राफेल से, और माना जा रहा है ये हमें समय से पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि 27 जुलाई तक हमें 6 राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे और इससे हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वैसे भी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट के ऊपर है। जैसा कि आपको पता होगा चाइना और इंडिया के बीच में क्लैशेस हो गया था और अभी भी इनके बीच में तनाव चल रहा है, तो ऐसे में राफेल का आना सही रहेगा। दोस्तों 2 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट फ्लोरेंस पार्ली के साथ में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपको तय समय पे ही राफेल डिलीवर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों पहली स्क्वाड्रन जो होगी राफेल फाइटर जेट की वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर स्टेशन रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस है। यहां से लद्दाख का एरिया 440 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और पाकिस्तान का बॉर्डर 220 किलोमीटर की दूरी पे है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा पोटेंट वेपन्स को लेके जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों एमबीडीए द्वारा बनाई गई मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी शामिल है। और दोस्तों मीटियोर मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट बेबी रैम है और ये यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के लिए बनाई गई है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पहले हमें 4 राफेल फाइटर जेट ही मिलने थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी की रिक्वेस्ट के बाद में अब हमें ऐसे 6 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। और रीजन दोस्तों यही है कि चाइना के साथ तनाव चल रहा है। और आपको बता दें ऐसे हमने 36 मल्टीरोल राफेल जेट को खरीदने की डील की है जो कि 7.8 बिलियन डॉलर के अंदर हुई है और इसकी कीमत अगर इंडियन रुपीज में देखी जाए तो 58,891 करोड़ रुपए बनती है, जो सितंबर 2016 के अंदर की थी। और दोस्तों ये सारे फाइटर जेट 2022 तक डिलीवर हो जाएंगे 4 बैचेस के अंदर। और दोस्तों इससे चाइना की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जो राफेल फाइटर जेट है ये 14 टन का पेलोड लेके जा सकता है जो कि 2 MiG-21 फाइटर जेट के बराबर है। इसके अलावा इसकी रेंज 500 किलोमीटर है अगर इसकी हम स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें, और अगर हम मीटियोर मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर से ज्यादा है। और आपको याद होगा बालाकोट के समय हमें इसी कमी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर नहीं कर सके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि 10 पायलट भी इंडियन एयरफोर्स के ट्रेंड हो चुके हैं फ्रांस के अंदर इस फाइटर जेट के ऊपर, और 12 अभी और को ट्रेंड होना है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के 100 से ज्यादा पर्सनल वहां पर हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं हर तरह के काम की, चाहे वह इसको हैंडल करना ही हो। तो दोस्तों कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जहां चाइनीज फाइटर जेट अपने एरिया के अंदर जो कि लद्दाख के नजदीक है वहां पर आधी ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जितना फ्यूल एक फाइटर जेट में होता है उसका आधा ही परफॉर्मेंस में आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है। वहीं दोस्तों इंडियन फाइटर जेट की कैपेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगी जिसके अंदर सुखोई 30, MiG-29 भी शामिल है और जगुआर और मिराज भी हैं, लेकिन राफेल जो कि नियर बाय 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसके आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की पावर और ज्यादा डबल हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा और बिल्कुल सही समय के ऊपर ये फाइटर जेट आ रहे हैं और हर 2 महीने या 4 महीने के इंटरवल पे ये हमें मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।